आज आपको हम ऐसी मालूमात देंगे खुराक के हवाले से, तो बलूचिस्तान सज्जी कबाब के हवाले से। तो मैंने आसिफ भाई को कहा आपने इसको कहाँ ढूंढा, कहता है पहली दफ़ा इसको मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे लगा कि यहाँ पर बलूचिस्तान के डिशेज़ हैं, बलूचिस्तान के खुराक यहाँ पर है। तो इस हवाले से आज मैं भी यहाँ पर आया हूँ, इस खुराक का हम जायका देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपने वीलॉग में लबनानी खाने के हवाले से या मुख्तलिफ जो खुराक होते हैं वो मैंने आपको जायका बताया। यहाँ बलूचिस्तान का खुराक है। अबू धाबी हम पहुँचे हैं तो अभी चल कर अंदर के जो काम वाले वर्कर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, इसके मालिक से भी बातचीत करेंगे और सज्जी का मजा लेंगे। जी नाजरीन, इस टाइम हम किचन में इंटर हो चुके हैं। तो सबसे पहले इसके ऑनर ने मुझे कहा कि आपने कहा चेक करना है तो किचन चेक करें, क्या आपको किचन कैसा लगेगा। तो इस टाइम मैं किचन में आ चुका हूँ। ये आप देखते जाए माशाल्लाह प्लेटों की तरतीब, यहाँ सफाई का सिस्टम, तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनका चेक एंड बैलेंस होता है। तो भाई यहाँ पे खड़े हैं लेकिन इनसे इन्होंने कहा कि मैं पश्तो में बात करूँगा, यकीन पश्तो भी हमारे अपनी ज़ुबान है और पश्तो में भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, शेर जोड़े और खैरियत ठीक ठाक टोल पहले खो डेरा महीना चेतासुपल की मती वक्त मुतराग और तासुराग ने बलूचिस्तान सजी को प्रेसिडेंट मुसफ़ा अबू धाबी से M17 था जमुन चिकुम द आइडियो मोटो एजेंडो अगदाओ चिमुन गदल तदासी यूनिक फूड्स वगैरह रावलू चिकुम परदेसियान वाड़ी लेकिन अगदल तबीना पाकिस्तान कुम क्या बलोच कम्युनिटी दा पख्तून कम्युनिटी दा अगर चूंकि डेर ज्याद की सेवा दी लेकिन वो तो पूरे इमारत की सजे के बाद सज्जी ने मिला मटन सज्जी बनावा चिकन सज्जी बनावा निश्ता पूरे इमारत की पूरा इमारत के तौर पर कुम बलोची ट्रेडिशनल स्टाइल सज्जी दा तोसिंग के तौर पर इलम बेबी जे कुम मटन सज्जी चिकन सज्जी सीधा द 1969 की द लेडी के विधि इजाद लेडी के विधि और तकुम लेडी के विधि चाय इजाद करे दे 1969 के जो यहूदी वक्त के पोता चिदे नूर मोहम्मद अगम सर दे और अगर द ट्रेडिशनल फूड चे दे अगर द इमारात के खल्क तो सर गई और देने लगा चुन के तो किचन तरह अगर ये जो तो उस तो मुख्तलिफ डिशेस खेमा कैमरामैन बताओ उस तरह दे सीधा मुंह सरो गए फ्रेश बीफ कीमा दा शादा बीफ कीमा दे फ्रेश बीफ कीमा फुल हाइजीन फुल फ्रेश और दावर सरा चुन के मटन पाया दा सहार नाश्ता की भी दे टाइम अवेलेबल ना रहा खुराक मतलब टोटल इकोनॉमी नवाखले लग्जरी पूरे हर किस्म फूड मुंग सरा अवेलेबल तो सदा वो एम छ मुंग सरा द शुबी चावल द अफगानी पुर स्पेशल चावल दी उस एंड की दी दा मुंग जोड़ो स्पेशल फ्रेश मटन के फ्रेश मटन के देन अलावा द जम उस्ताद दे द स्पेशल बनु पुलाव बनु पुलाव द तासो कतले शे स्पेशल नली बनु पुलाव और देन अलावा बिरयानी चूंकि मुंग सरा भी लेकिन बिरयानी चूंकि लास्ट दगे के ला सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे बलूचिस्तान का नाम मुतारिफ कराया पूरे खलीज में, तो ये हमें बहुत खुशी हुआ। सबसे अपना तारुफ हमसे करें, आप अपना नाम बताएं और आप बलूचिस्तान के किस इलाके से रहने वाले हैं आप। वल्ला मेरा नाम है मयूद है, मयूद मीरवानी मीरवानी और मैं बलूचिस्तान का सूराफ का रहने वाला हूँ। सूराफ के रहने वाले? जी जी सूराफ का रहने वाला हूँ और हम लोग माशाल्लाह इधर कोला और हम लोग का इधर माशाल्लाह तलब भी बहुत ऑर्डर आता है जो बाहर
तलब करता है घरों में जी, अगर दूसरा कोई इधर से दूर है जी, तो हम लोग स्पेशली उसके लिए बाइक रखा हुआ है। बाइक है यहाँ पे हम लोग का बाइक, आपको अगर कैमरा दे दिखा सकते अच्छा। हैं हम लोग का बाइक रखा हुआ है माशाल्लाह। तो उसके लिए क्या इनका हेल्प नंबर क्या है आपका जो आपको फौरन ऑर्डर देना चाहे? हम लोग का है माशाल्लाह टिकटॉक में, हम लोग का यूट्यूब में ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है। अगर कोई सर्च करेगा लोकेशन में सर्च करेगा उधर भी नंबर मिलता है, और यूट्यूब में मिलता है, टिकटॉक में इसका जो भरोसा का सजी कबाब उसका स्पेशली नाम है उधर भी ये नंबर मिलता है जो ऑर्डर करने के लिए। अच्छा, तो रान आप रान कितने में दे रहे हो, और ये जो चिकन है इसको आप कितने में दे रहे हो सजी? चिकन का माशाल्लाह 35 में आता है। 35 ग्राम में? जी जी 35 ग्राम में आता है। और रान जो है? रान 135 में आता है। 135 में जी जी। तो किसी ने आपको ऑर्डर देना हुआ कितना टाइम पहले आप ऑर्डर दें? फौरन तो आप लोग नहीं बनाते, उसमें टाइम लगता है ना जी। अगर किसी को ऑर्डर देना है वो लाजम 5-6 घंटा पहले बना देना, 5-6 घंटा हम लोग उसके लिए रेडी करें। चले नाजरीन इनका हेल्पलाइन भी है, वो भी आपको आपको जब हमारे यूट्यूब चैनल आप देखेंगे तो उसके नीचे हेल्पलाइन भी हम इसका लिखकर आपको बताएंगे। और आपने ऑर्डर देना हो तो घंटा दो पहले देना पड़ता है क्योंकि ये आग के सेक पे बनता है। तो अभी तो मेरा मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे बात भी नहीं हो रहा है, चल के इसका जायका देखेंगे फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बलूचिस्तान सज्जी आपको कैसा लगा, वैसे ही है जैसे लेडी सज्जी है या इसमें कोई फ़र्क है, ये मैं आपको इंशाल्लाह कन्फर्म और दिल से बताऊँगा कि वाकई वही जायका है या जायका वो नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है और यहाँ पे हम ये मोटो एजेंडा लेकर आए हैं कि बलूचिस्तान का नाम यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है बलूचिस्तान की ट्रेडिशनल फूड भी यहाँ पे हो। तो फिर जब हमने पूरा यूएई का मार्केट उस चीज़ों को देखा तो यहाँ पे सजी चिकन सजी जो बलोची स्टाइल का है लेडी कैबीना ने जो ईजाद किया है 1969 में वो यहाँ पे नहीं था, मटन सजी यहाँ पे नहीं था। और ये आपको पूरे इमारात में फिलहाल जो हमने ओपन किया है अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपको कैमरा में दिखा सकता है कि इस स्टाइल की चिकन सजी मटन सजी आपको सिर्फ और सिर्फ अबू धाबी मुसफा M17 में मिलेंगी। वो इसलिए कि यहाँ पे बलोच कम्युनिटी है और पख्तून कम्युनिटी है वो इन चीज़ों को लाइक करते हैं, वो गोश्त खोर है ज्यादा गोश्त को पसंद करते हैं, बलोच और पठान और गोश्त वैसे भी पहाड़ी लोग हैं ना, हमें ये चीज़ तो उस चीज के लिए जब हमारे यूनुस भाई हैं न्याज भाई ने उन्होंने टीम वर्क किया तो हमने अप्रोच किया लेडी कबीले के जिन्होंने सजी को ईजाद किया है 1969 में, उनसे हमने अप्रोच किया वास्ता किया और उन्होंने हमें गिफ्ट के तौर पर हमारे ऊपर उनकी नवाजिश है उन्होंने अपना जिन्होंने सजी ईजाद किया उनका पोता कैमरामैन आपको दिखाएगा नूर अहमद लेडी जो है वो यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं और अपने बलोच दस्तार पहन के यहाँ पे वो सर्विसेज दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम पख्तून बलोच मिलकर बलोचिस्तान को और पख्तूनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी सकाफती गजा क्या क्या है और उसमें टेस्ट क्या है जो नेचुरल टेस्ट है गोश्त के अंदर फिर और कारीगर की हाथ की जो रेसिपी होती है तो वो चीज़ को दोबारा करेंगे, जायका चेक करेंगे। अक्सर मैं खानों का जायका चेक करता हूँ और आपके मुंह में पानी भी आता होगा जब आप ये देख रहे होंगे ना, तो अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आप अकेले खाते हो आप आते नहीं, तो अब आपको मैं दावत दे रहा हूँ कि अभी जब आपने आना है और बलूचिस्तान सज्जी का आपने जायका देखना है, जैसे कोयटे में लेड़ी सज्जी मशहूर है ना तो यहाँ पर इंशाल्लाह ये भी मशहूर होगा। तो दोस्त बाकी भी यहाँ पर खड़े उनसे भी अलावल करते हैं और मज़ीद इसका जायका जब मैं खाऊँगा तब आपको मैं बताऊँगा कि इसका जायका कैसा है। जिस तरह हमने क्वेटा में लेडी सज्जी खाई है ना इसी तरह का सेम टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, इसीलिए मैं आपको लेकर आया कि आप हमेशा कहते थे ना कि यार यहाँ के खाने मुझे समझ में नहीं आते, तो आप लोग अरबिक फूड खाते हो वो थोड़े बहुत अच्छे भी हैं, तो इसीलिए आज मेरे यही चाहत हुई हमें मुझे और फिजा भाई को और रजा भाई को कि आपको हम बलूचिस्तान सज्जी पे लेकर आए ताकि आपको बलूचिस्तान की याद आ सके। यहाँ पे ज़ियाजान सासोलियम कंतु दाड़े सलो के ज़ियाजान नुम छुट्टी दा दिया दाड़े पर बलूचिस्तान सज्जी था बल्ला सफर नुम कई केरे एक अपारे कुबे नहीं एक मुसाफरी है तो दा कुनिंग के दाड़े खबर है नुम सही सर बिल्कुल दाई तक ना सही और ना एक दाड़े खबर है ना हालांकि ना दुबई टी रहेंगे दुबई यार दाड़े का बल्लो सफर है सफर है लेकिन दाना जायका दा बलूचिस्तान सज्जी कबाब ना से तेरा टवी को ना जिंदना यानी सकाफती कबाब है दादी कुने सर नी सोच सही हमें तेना मश जंगल हमें उराटी हमो ऐसा बात हमो मजा है खुशदार जी हो बस वो मजा है जायका है जी हो नन्नू में भी है इसमें सुन दस नुम कुने फेना भी नुम तेना खैर तेस्टे ताले रे पदा मजा ना था वो
तारीफ नीब से नट करो इंशाल्लाह। हमें खबर है ना दाड़े माशाल्लाह बलूचिस्तान सज्जी कबाब ने कहा सब जबरदस्त जायके से माशाल्लाह उन्होंने हमें मशाना जंगल आता हम उस जायका गाड़ी नहीं मिले तो लाजम ना दुबई या सफर के ना दाड़े नूर इलम दाड़े तुलो के लक्ष्मी नतौर नूरजन खाना ख्वाजन के लेडी सज्जी अरे मशहूर है नीरम कारम करन अल्हम्दुलिल्लाह तो दस दाड़े पस उस परदेस से परदेसी तो उस तसम को हर बंदा परदेसी के मेरे पास तो अंत पास है कि नन नुमाइदा का पस मचे जहरी रकम मस पता नहीं यो सब नुमा बाद बस मेहरबानी नन में खाना नन बस खुशी मस मन तो मिलन और नन पाकिस्तान और जहरी के बाद मच कम मस जी नन उस बस खुश मस और करे ना ना सच्ची ना और कड़ाई ना करे ना ना कुछ करने को कि न तेरा गिराए पेन जो आंकेन और जो कि बंदा आगे ना बरोच सकाफत इधर जिंदा करे ना द यूनिस वही इधर हमें का मतलब वो ना अन्ना उस तस की ना बरोच चाहता वन उठ लेस मरे या ना काना पीना ना जागस कि बंदा आगे ना उस तर दाले बरे रहो ना तो इराख को ने रहो दाले ना सकाफत बरोच जिंदा मरे खाने पीने का बड़ा शौकीन हूँ जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता अच्छा खाना हो इंसान अगर खुराक अच्छा ना हो तो इंसान को कोई सफ़र भी मज़ा नहीं आता है तो दोस्त अक्सर मुझे ले जाते हैं मुख्तलिफ होटलों पे ले जाते हैं मुख्तलिफ खाना खिलाते हैं इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे वतन हमारे इलाके में अभी भी वही मोहब्बत है तमाम दोस्त मिलकर रहते हैं यकजहती से रहते हैं भाईबंदी से रहते हैं तो आज भी हम दुबई से सफ़र करते हुए यहाँ अबू जबई पहुँचे यहाँ पर कहते हैं कि एक अच्छा आपको डिश मिलेगा अच्छा खुराक मिलेगा तो दोस्तों ने हमें कहा आसिफ ने फिजा जान ने और अब्दुल्ला साहब ने कि आपको ले चलेंगे आपको आज हम बलूचिस्तान का खुराक खिलाएंगे जिसका जायका आपके मुंह में आएगा और आपको ऐसा महसूस होगा जैसा हम बलूचिस्तान में तो सज्जी भी आ चुका है कढ़ाई भी आ चुका है और पकाने वाला भी हमारा कोयटे का है नूर लेडी साहब वहीं का होते हैं कोयटे से ख़ास यहाँ पर आए तो ये डिश को मुतारिफ करने और बलूचिस्तान का नाम मैं कहता हूँ कि हर जगह हो तो अब ये सज्जी का जायका हम देखेंगे कि सज्जी का जायका कैसा है और इसका खुशबू तो मुझे आप तो महसूस नहीं कर सकते बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि खुशबू वही है जो हमें लेडी सज्जी से मिलता है या बलूचिस्तान के सकाफती खानों में ये जायका हो तो इसको मैं चेक करता हूँ कि इसका जायका कैसा है पहले तो मैं चेक करके आपको बताता हूँ वाकई जायका वही है अब आप तो लाजम भरोसा करोगे मुझ पर कि जायका वही है तो आप जब भी इस शहर की तरफ आओगे दुबई की तरफ तो आप अबू जबई मेरा ख्याल कहोगे कि हमने वहाँ जाना है बलूचिस्तान सज्जी वालों के पास तो इसका जायका मैं चेक कर रहा हूँ मैं खाना खा रहा हूँ आप लोग के मुँह में पानी आया होगा मुझे लगता है तो जब इधर विजिट करोगे आप इंशाल्लाह आपको यही जायका मिलेगा जो कोयटे और बलूचिस्तान में होता है तो मैं खाना खाऊँगा आप दूसरे रिपोर्ट देखिए।